आज हम लोग बनाएंगे एक ट्रेडिशनल बंगाली पीठा जिसको बोलते हैं कांची पीठा। इसके लिए हम लोग को ज्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को चाहिए चावल, आटा और नमक, और इसको घोलने के लिए हम लोगों को चाहिए पानी। जब तक हम लोग इसको घोलेंगे तब तक हम लोग इसके जो सांचा है इसको गर्म करने के लिए बैठा देते हैं। ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप चावल आटा को एक बड़ा बर्तन पे डाल लें और साथ में डाल लें उसमें नमक और इसको अच्छे से मिला लें। अब इसमें डालें आप पानी और एक स्मूथ बैटर तैयार। देखिए आपका बैटर तैयार है। अब देखिए हमारा ये भी गर्म हो गया है, तो अब हम लोग इस गर्म उसमें ये एक ऐसे लेके एक एक करके इसको बना लेंगे, जैसे इडली के सांचे में हम लोग डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको हम लोग डाल लेंगे। और इसको लीड को कवर कर देंगे ताकि ये भाप में अंदर तक का पक जाए। देख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे कवर कर देंगे। ऐसे मिट्टी का साचा आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर से अच्छे से सूख गया है, मतलब ये बन के तैयार है। नीचे से ये थोड़ा सा जल जल कर जाएगा आपके उसमें। आप इसको ऐसे किनारे से आप चारों तरफ से करके आप निकाल लें। इसी तरह से बाकी सबको भी हम लोग ऐसे ही निकाल। बनके तैयार है आपका कांची पीठा। इसको गर्मा गर्म आप खजूर के गुड़ के साथ सर्व करें। ये सीजनल से गुड़ आती है खजूर की, उसके साथ ही ये बढ़िया लगता है। इसको बनाएं, खाएं और बताएं कैसा लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। ये नाश्ते के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसको डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।